नमस्कार, आपका स्वागत है। और ये वीडियो स्पेशली आप लोगों में से बहुतों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, जो वैसे मुझे कॉल करके बेचारे 20 मिनट के 5000 रुपये देने को तैयार हैं, पर मेरे पास समय है ही नहीं। और एक दो से मैंने बात की, मैं कहा चलो वीडियो बना देता हूँ, आप सब लोग सुनिए, मुझे अपने लाख रुपये कमाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो मेरे ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं मुझे उस पर ध्यान देना है, तो आप लोग समझिए। अब तक ना आपको एटलीस्ट ये पता चल गया होगा कि जो लोग भी काउंसिल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो दो महीने पहले जानकारी नहीं थी और आपको एक हवा दिखाया जाता था कि हिंदुस्तान में एग्जैक्टली 28 काउंसलिंग्स हैं, तो आपने देख लिया MCC काउंसलिंग है, जिसको आप डे टू डे भाषा में ऑल इंडिया बोलते हैं, जिसका रिजल्ट सबसे पहले आया था, जिसकी रिपोर्टिंग भी 31 तारीख को ख़त्म हो गई, जिसके अंदर AIIMS आते हैं, अगर हम सरकारी की बात करें ZIPMER आते हैं, सरकारी कॉलेजों का 15% सीटें आती हैं, और 55 प्राइवेट कॉलेज आए थे, सिम्बोसिस, कस्तूरबास, MGM, मुलाना, अमृता एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कलिंगा, IMSM, SKBS वडोदरा, उन 55 की 55 में 85% नॉर्मल सीटें थी, 15% NRI सीटें थी, जो लोग NRI कन्वर्ट कर सकते हैं स्पॉन्सर, ठीक। फिर होगी 26 स्टेट की काउंसलिंग, नॉर्थ से स्टार्ट करें तो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, UP, हर स्टेट की, और तकरीबन हर स्टेट का रिजल्ट आ चुका, सिर्फ साउथ के स्टेट्स लेट चल रहे हैं, खासकर तेलंगाना और आंध्रा, वेस्ट बंगाल का कल आ गया, ठीक। तो आप ये सब देख रहे हो। अब जब आपको सीट मिलने लगती है ना, तो कैसे कैसे होता है, सबसे पहले आपको किसी भी काउंसलिंग में सीट मिल गई, आप हमेशा एक चीज़ समझ लीजिए, एट ए टाइम आपके पास दो सीट नहीं हो सकती हाथ में, अलॉटमेंट होना लग पाता है, ज्वाइन करना लग पाता है। तो जिनको भी अलॉटमेंट लेटर मिला, आपको सीट ऑफर की गई, अब आप सीट लेते हो, उस प्रोसेस को पूरा करके आधी या पूरी फीस दे के, जो भी प्रोसेस है, तो पिछले 5 दिन में उत्तर प्रदेश में आप सब लोग नोडल सेंटर्स में जा रहे हो, फीस का डिमांड ड्राफ्ट लेके जा रहे हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, जमा करा के आ रहे हो। हरियाणा में आपने पहले आधी फीस ऑनलाइन जमा कराई, फिर आप रोहतक जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रहे हो, फिर आधी फीस देने कॉलेजेस जा रहे हो। हिमाचल की बात करें तो आपने सीधा सोलन पहुंच गए। उत्तराखंड की बात करें, आधी फीस ऑनलाइन जमा करी फिर कॉलेज पहुंच गए। बिहार की बात करें तो सीधा कॉलेज गए, पूरी फीस दी। बंगाल की बात करें तो ऐसे हो रहा है। राजस्थान की बात करें तो जयपुर जा रहे हो, पूरी फीस दे रहे हो, ऐसे चल रहा है ना हर जगह। तो जब आपको लेटर मिला, आपने कुछ नहीं करा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिट हो गया, उसको बोलते हैं कि आपने छोड़ दिया, फ्री एग्जिट। और हिंदुस्तान में तकरीबन हर जगह फ्री एग्जिट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना, चाहे वो MCC काउंसलिंग थी ऑल इंडिया वाली, चाहे किसी भी स्टेट की काउंसलिंग है। जब आप प्योर फ्री एग्जिट ले रहे हो, तो आपने खाली कहता आंखें बंद कर लेनी है, आपके मेल में लेटर आया नहीं आया कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो कॉमन चीज़ समझ लीजिए, फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं करा। रिज़ाइन का मतलब होता है कि आपने कॉलेज की सीट ली थी और आप उस जगह जाके आप रिज़ाइन कर रहे हो। तो जो MCC का लेटर आया था 31 तारीख को कि रिज़ाइन करो, वो लोग थे जिन्होंने समझ लीजिए MCC ज्वाइन कर लिया 30 तारीख को और UP में उनको सीट मिल गई। अब उनको UP में जाने के लिए अपने कागज़ चाहिए ना, तो पहले आप MCC वाले कॉलेज में गए, आपने रिज़ाइन करा क्योंकि आप सीट ले चुके थे, भाई जिसके पास नौकरी होती है सीट होती है वही तो इस्तीफ़ा देगा, तो आपने रिज़ाइन करा, वहाँ पर जाके अपने लेटर लिए, उन लोगों ने अपनी आपके ड्राफ्ट है जो भी है वापस करा होगा, और फिर वो ओरिजिनल कागज़ लेके आप UP गए या हरियाणा गए या कहीं भी गए। तो दूसरी बात ये भी होती है कि जो भी आप सीट लोगे, जब भी आप सीट ज्वाइन करोगे, तो हमेशा आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे और फीस दोगे, आधी दी या पूरी दी, कॉलेज को दी या उस पर्टिकुलर काउंसलिंग की सरकार को दी। तो UP गवर्नमेंट पूरी फीस खुद ले रही है, उत्तराखंड गवर्नमेंट आधी फीस ले रही है, आधी कॉलेज को दे रही हो, हरियाणा भी आधी ले रहे हो, आधी कॉलेज को दे रही हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब आप शब्द बोलते हो रिज़ाइन, तो मैंने MCC से रिज़ाइन करा, UP को ज्वाइन करा। तो जब भी आप एक काउंसलिंग को छोड़ के दूसरी काउंसलिंग में जाओगे, आप हमेशा रिज़ाइन करोगे और लोगे। अपग्रेड होता है काउंसलिंग टू काउंसलिंग, अपग्रेड ऐसे है, तो जिनको यूपी में कॉलेज मिला है वो ऊपर जाना, मतलब बेटर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में गौतम बुद्ध मिला, आप उत्तराखंड में गुरु राम राय में जाना चाह रहे हो, जॉली ग्रांड में जाना चाह रहे हो, तो शब्द यूज़ होगा अपग्रेड। उत्तराखंड के राउंड 1 से लेके से आप हरियाणा के राउंड 2 में जा रहे हो, तो अपग्रेड शब्द नहीं है उसमें, आप उत्तराखंड को रिज़ाइन करोगे और हरियाणा को ज्वाइन करोगे, तो दोनों में फ़र्क हो गया ना। अपग्रेड काउंसलिंग टू काउंसलिंग, जैसे आप काउंसलिंग को क्रॉस कर रहे हो तो आप रिज़ाइन और ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। फ्रीज, आपको जो सीट मिली आप लेके काउंसलिंग से बाहर हो गए। अपग्रेड, आप एक काउंसलिंग के अंदर जा रहे हो। जब भी आप काउंसलिंग को चेंज कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं
न्यू कॉलेज लोगे तो रिज़ाइन करोगे और नया कॉलेज ज्वाइन करोगे, वो आपके हाथ में, अब नया ज्वाइन करो ना करो ना, हर जगह आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी तो है। अपग्रेड हमेशा अलाउड अराउंड 3 तक। तो आपने उत्तराखंड में गौतम बुद्धा पकड़ लिया, यूपी में कॉलेज पकड़ लिया, तो यूपी टू यूपी आप अराउंड 3 तक अपग्रेड देख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास एमसीसी की सीट है राउंड 2 में और यूपी आप राउंड 3 देखना चाहते हो, वो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी स्टेट की, किसी भी काउंसलिंग की सीट अगर आपने राउंड 3 में पकड़ रखी है, अलॉटमेंट नहीं ज्वाइन करके पकड़ रखी है, फिर आप कुछ और नहीं देख सकते। तो अगर एमसीसी जब भी राउंड 3 आएगा तब आपके हाथ में कोई सीट होगी, तो आप किसी स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते ना। तो ये चार पांच शब्द समझिए, ज्वाइन या फ्रीज, मतलब मैंने जाके ज्वाइन करा, आपने कुछ नहीं करा तो फ्री एग्जिट बाय डिफॉल्ट है। काउंसलिंग टू काउंसलिंग अपग्रेड होगा, और जब भी आप काउंसलिंग को चेंज कर दोगे तो उसको बोलेंगे रिजाइन एंड ज्वाइन। लेकिन अभी आपको उत्तराखंड का लेटर मिला था तो आपने कुछ भी नहीं करा, तो फिर तो वो फ्री एग्जिट हो गया ना, आपके कागज भी आपके पास है, फीस भी आपके पास है। तो फिर जब आपको नई सीट मिलेगी अगले राउंड में दूसरी काउंसलिंग में, तो वो फ्रेश अलॉटमेंट है, फ्रेश ज्वाइनिंग है ना, तो फिर रिज़ाइन वर्ड तो आएगा ही नहीं। रिज़ाइन आप तभी करोगे जब आपने कोई सीट ली है, जब तक सीट ली नहीं है तो रिज़ाइन किसको कर रहे हो। और जब भी आप, जो भी आपको लेटर्स मिले हैं, किसी किसी को राउंड वन में 5 लेटर मिले हुए हैं, आपने किसी में कुछ भी नहीं करा, कहीं कोई ज्वाइन नहीं करा, तो पाँचों में आपका बाय डिफ़ॉल्ट फ्री एग्जिट हो गया। इवन कर्नाटका जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और आपसे पूछते हैं चॉइस 1, 2, 3, 4, वो उसे खाली चॉइस 4 आपको एक्स्ट्रा दे दी, जो बोलते विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग, नहीं तो उसकी चॉइस 1 थी फ्रीज, चॉइस 2 थी अपग्रेड, और चॉइस 3 थी प्रैक्टिकली फ्री एग्जिट, अगर आपको कोई सीट मिली है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई है, फिर तो आप बाई डिफ़ॉल्ट फ्री एग्जिट हो। लेकिन कर्नाटका में ये था कि अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो फिर आपको अपने लॉगिन खोल के चॉइस 3 दबानी पड़ेगी, वरना काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। बाकी जगह पर वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आप अपने आप ही फ्री एग्जिट हो गए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए कि अपग्रेड किसे बोलते हैं, ज्वाइन किसे बोलते हैं। अब हर एक के अपने फ़ायदे हैं। उत्तर प्रदेश ने चूँकि राज्य के नाम पर डीडी लिया है, सबसे आसान है, जब राउंड 2 में आपको नया कॉलेज मिलेगा, क्या पता आपका डोडा सेंटर चेंज हो जाए। तो और देखिए, जब भी आपको नया कॉलेज मिलेगा सेम काउंसलिंग में, आपके पास उत्तराखंड की सीट है, आपको राउंड 2 में यूपी मिला, फिलहाल आपकी उत्तराखंड की सीट गई नहीं है, इसलिए आपको जाके रिज़ाइन करना पड़ेगा। पर यूपी टू यूपी, हरियाणा टू हरियाणा, कर्नाटक टू कर्नाटक, जहाँ पर 20-25 कॉलेज हैं, राजस्थान टू राजस्थान, अपग्रेड का मतलब क्या है कि पिछली सीट गई तभी तो अगली सीट मिली। और लोग ये भी घबराते हैं, सर अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो पिछली सीट तो रहेगी। अरे तभी तो आपने ज्वाइन किया था, आपने ज्वाइन नहीं करा तो फिर तो आपकी सीट गई है ना, फिर तो आपने फ्री एग्जिट लिया है। आपने ज्वाइन करी, समझ लो यूपी का कॉलेज आपने रामाहापुर ज्वाइन करा, अब आप अपग्रेड के लिए जा रहे हैं। अपग्रेड का मतलब होगा कि आपको नया कॉलेज का लेटर मिलेगा, तो अपने आप पुराना हट जाएगा ना। लेकिन अगर नया लेटर मिला ही नहीं तो पुराना सेफ है, सुरक्षित है। तो जनरली स्पीकिंग जो स्टेट्स की अपग्रेड है उसमें राउंड 3 तक आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो एमसीसी में हो चाहे स्टेट में हो, इसे लोग करते हैं। और इसलिए गुड कॉलेज की कट ऑफ गिनती बंद हो गई है, क्योंकि पहले ये 2022 तक राउंड 2 तक अपग्रेड अलाउड था, राउंड 3 तक हो गया है। तो एमसीसी में जिसको इस समय अमृता कोची मिला हुआ है, वो सोच रहे हैं जेएलएन मिल जाए राउंड 2 में, राउंड 2 में जेएलएन मिल जाएगा तो सोचेंगे राउंड 1 में, राउंड 3 में कस्तूरबा मिल जाए, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि आप अलाउड है, आपको आपका नुकसान नहीं हो रहा, आपके 2 लाख रुपये भी सुरक्षित हैं, आपके डिपॉजिट भी सुरक्षित हैं। तो अपग्रेड काउंसलिंग टू काउंसलिंग होगा, चेंज जब भी काउंसलिंग होगी, रिज़ाइन एंड ज्वाइन होगा। अपग्रेड जब होगा तो पिछली सीट चली जाएगी तभी अगली आएगी, और अपग्रेड नहीं होगा तो पिछली सीट सेफ रहेगी, ये बात समझ लीजिए। अब यूपी का फायदा क्या, क्योंकि आपने सारी फीस राज्य को दी, डीडी आप देकर आ रहे हो। अगर राउंड 2 में दूसरा कॉलेज मिला, दूसरे नोडल सेंटर में मिला, पहले नोडल सेंटर में जाओगे, दूसरे का लेटर दिखाओगे सिर्फ, वो आपका डीडी और पैसा, वो डॉक्यूमेंट दोनों वापस कर देगा एक ही दिन में। फिर आप डीडी को चाहे अपने बैंक में दोबारा जमा कराओ, अगला डीडी का अगर फिगर सेम है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इसमें फीसें थोड़े थोड़े कॉलेज में अलग है, लेकिन जैसे मोस्टली कॉलेज में वो 12 लाख समथिंग है, तो आप वही लोगे और वही अगले डोडो सेंटर में सेम डीडी दे दोगे, अगर फीस बिल्कुल सेम है। पर फीस में अगर 100 रुपये का भी फ़र्क है तो आप पहला डीडी कैंसिल कराओगे, दूसरा दोगे, पर आपको टाइम नहीं लगेगा ना, जो यूपी सरकार है, ले जाओ भैया फीस। हरियाणा में मैंने क्या बोला, आधी फीस दी आपने कॉलेज को, तो वहाँ पर अगर अपग्रेड होगा तो जो आपने आधी फीस सरकार को दी है, सरकार तो एडजस्ट कर देगी, जब ऑनलाइन पोर्टल खोलोगे तो अपने आप ही एडजस्टेड फीस आएगी। लेकिन जो कॉलेज को पैसे देके आए थे वो आपको कॉलेज से जाके वापसी लाने पड़ेंगे हरियाणा में या उत्तराखंड में। तो इस तरह से हर काउंसलिंग का रूल अलग होता है।
घबराने की बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो मैंने टाइम निकाल के आपके लिए बनाया, एक्चुअली बिना ना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल जाए और वो कन्फ्यूज़ ना हो। और एक टिप बताऊँ, मतलब काउंसलिंग टू काउंसलिंग अपग्रेड में जाने में ज़ीरो रिस्क है, ज़ीरो खर्चा है, ज़ीरो नुकसान है। सब जाइए। बाय बाय, टेक केयर। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान करे आपको आपके नंबर और बजट की बेस्ट पॉसिबल सीट मिले। यही मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करते ही कोशिश करता हूँ और यही मैं दुआ करता हूँ आप सबको मिले, आप जिस भी काउंसलर के साथ काम कर रहे हैं। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।